सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। सो गाइस, आज के लेक्चर नंबर 31 ऑफ एंटोमोलॉजी में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पेस्ट ऑफ वीट। बेसिकली इस चैप्टर में, यानी इस जो हमारा जो लेक्चर है, इसमें मेजर पेस्ट ऑफ वीट को कवर करने वाले हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो और आपको हमारी कोई भी लेक्चर की PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लो, जहाँ पे आपको रेगुलर क्विजेस और हमारे जो चैनल की अपडेट्स हैं वहाँ मिलती रहेंगी। साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो या फिर लाइक कर सकते हो। और आपको लास्ट ये बताना है कि हमने एक GFA एजुकेशन ऐप बनाया है, जिसका बेसिकली मोटो क्या है कि हमने जो भी आपके नोट्स हैं, लाइक 4 ईयर जो भी आपके बेसिक एग्रीकल्चर के नोट्स हैं, TNU से या फिर एग्रीमोन्स के बुक्स हैं, उनको मैंने एक जगह कर दिया इस ऐप में। साथ साथ हमारी जो जितनी भी वीडियोज़ हैं आप यूट्यूब पे तो देख ही सकते हो, साथ साथ इस ऐप में भी आप उसको जाके देख सकते हो। तो ये चारों चीज़ का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस वीडियो के बाद वहाँ से आप इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे डिफरेंट पेजेस को ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक, जो है कि पेस्ट ऑफ वीट। तो हम इस लेक्चर में मेजर पेस्ट ऑफ वीट को डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला है वो है वीट एफिड, ठीक है। सेकंड है क्लाइंबिंग कटवर्म, जिसको हम आर्वी वॉर्म भी कहते हैं। थर्ड है गुजिया वीविल। फोर्थ है ग्राम पोर्ट बॉरर। फिफ्थ इज द टर्माइट। सिक्स्थ इज दी मोल्डिया नेमेटोड, जिसको हम सिस्ट नेमेटोड भी कहते हैं। एंड लास्ट इज दी वीट गॉल नेमेटोड। तो बेसिकली हम दो नेमेटोड्स के बारे में पढ़ेंगे और बाकी एफिड्स, कटवर्म, वीविल एंड बोरर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट पेस्ट के साथ, जो है वीट एफिड, जो बिलोंग करता है ऑर्डर हेमिप्टेरा से, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन बात करें तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वीट ग्रोइंग एरियाज, बेसिकली जहाँ पे भी वीट लगाया जाता है, जो वीट ग्रोइंग बेल्ट है वहाँ पे ही पाए जाते हैं। होस्ट रेंज बात करें तो जो ग्रास फैमिली है, वीट, बार्ले, ओट्स, यहाँ पे तो है। साथ साथ जो ग्रेसियस वीट्स हैं, यानी साइनोडॉन, डेक्टाइलॉन, वो भी इसका एक होस्ट है। इसीलिए हमें जब इसको कंट्रोल करना होता है तो हमें इसके जो अल्टरनेट होस्ट हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करना होता है। अगर इनके डैमेज सिम्टम्स के बारे में बात करें तो निम्फ जो हैं, लाइक जैसे एफिड्स में निम्फ्स बनते हैं, ठीक है। तो निम्फ्स के केस में क्या होता है, निम्फ्स एंड एडल्ट सक द सैप फ्रॉम द प्लांट्स, पार्टिकुलरली फ्रॉम देयर ईयर्स, ठीक है। ईयर मतलब जिसमें ग्रेन्स लगता है। दे अपीयर ऑन लीव्स, ठीक है, और कौन सी लीव्स पे, यंग लीव्स पे, ठीक है। और ईयर्स इन दी लार्ज नंबर ड्यूरिंग दी कोल्ड एंड क्लाउडी वेदर, जब कोल्ड एंड क्लाउडी वेदर होता है तो जो यंग लीव्स है उन और या फिर जो ईयर्स हैं उन पे ये लगते हैं। द डैमेज इज पार्टिकुलरली सीवियर इन ईयर्स ऑफ क्लाउड एंड कोल्ड एंड क्लाउडी वेदर। कहने का मतलब है कि जब ठंडा मौसम होता है और क्लाउडी वेदर होता है, यानी जब मॉइस्चर ज़्यादा होता है एटमोसफेयर में, तो इनका जो सिम्टम है यानी डैमेज जो है वो ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें, अगर हेवली डैमेज हो गया है, ठीक है, ए हेवली मैन्योर्ड वेल इरीगेटेड एंड सकुलेंट क्रॉप है, विल हार्बर द पेस्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड एंड सफर ग्रेटर डैमेज। कहने का मतलब है कि अगर कोई ऐसा क्रॉप है जो वेल मैन्योर्ड है, वेल इरीगेटेड है, सकुलेंट क्रॉप है, तो उसके ऊपर जो पेस्ट है वो लंबे समय तक रहेगा और उस टाइप के क्रॉप को जो डैमेज होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। आई होप आपको इसका डैमेज सिम्टम समझ में आया होगा। अब हम आते हैं इनके बायोनॉमिक्स पे। बायोनॉमिक्स मतलब इसको पहचानते कैसे हैं। तो इंसेक्ट जो है वो ग्रीन होता है, इनर्ट होता है, यानी शांत होता है, लाउस लाइक होता है। निम्फ एंड द फीमेल्स लुक अलाइक, निम्फ और जो फीमेल्स वो सिमिलर दिखती हैं एक्सेप्ट इन द साइज, मतलब जो फीमेल होगी वो साइज में बड़ी होगी, निम्फ तो बच्चे हैं तो छोटे होंगे, ठीक है। इट ब्रीड्स एट द फास्ट रेट ड्यूरिंग कोल्ड वेदर एंड रीचेस टू द हाइट ऑफ इट्स पॉपुलेशन इन फरवरी मार्च, ठीक है। कोल्ड वेदर में ज़्यादा ब्रीडिंग करते हैं और इनका जो पॉपुलेशन जो मैक्सिमम पहुँचता है वो फरवरी मार्च में पहुँचता है, ठीक है, जब ईयर्स जो है पकने को होते हैं, ईयर की राइपनिंग होती है। अगर हम कैपेबिलिटी के रिप्रोडक्शन का देखें तो विदाउट मेटिंग भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। व्हेन द वीट क्रॉप इज राइप एंड द समर इज अप्रोचिंग, जब वीट क्रॉप जो पक जाता है यानी फली लग जाती है उनकी, ठीक है, और समर सीजन आने वाला होता है, तो विंग्ड फॉर्म्स ऑफ बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड, उस टाइम पे मेल्स एंड फीमेल्स के पास विंग्स आ जाता है एंड दे माइग्रेट टू अदर प्लांट लाइक डूबग्रास, जो इनका अल्टरनेट होस्ट भी है, ठीक है, जिसको हम लोग साइनोडॉन डेक्टाइलॉन कह रहे हैं। अगर हम बात करें अक्टूबर नवंबर सीजन, तो एफिड्स अगेन अपीयर ऑन वीट, जैसे चले गए डूब ग्रास पे, और जैसे अक्टूबर नवंबर का समय आएगा वो फिर आ जाएंगे वीट पे, यहाँ डैमेज करेंगे, ठीक है। अगर बात करें लॉस, तो द लॉस ड्यू टू एफिड्स हैव बीन रिपोर्टेड अप टू 36%,
टोटल क्रॉप का 36% डैमेज जो है वो एफिड्स के यानी वीट एफिड जो हैं वो करते हैं, इसीलिए इनको मेजर पेस्ट कहते हैं। आप इनको देख सकते हो, ये है एफिड्स और ये यानी अगर ये कह सकते हैं फीमेल है तो ये जो है उनके नेम्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे उनके लीफ पे दिखाया गया है ये रहे, तो ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ग्रीगेरियस होते हैं, मतलब एक साथ इकट्ठे दिखते हैं, ठीक है। अगर इनका ईटीएल अगर हमें बात करना है, अगर हमें एक ईयर हेड पे 5 एफिड दिख रहा है, ठीक है, तो हमें ईटीएल यानी जो हमारा इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर बेसिकली मैनेजमेंट अगर हम बात करें तो हमें स्प्रे करना है 375 ml ऑफ डाइमिथोएट 30 EC, ठीक है, इन 50 L ऑफ वाटर पर हेक्टेयर, ठीक है। सिंस द एफिड्स अपीयर फर्स्ट ऑन द बॉर्डर्स ऑफ द क्रॉप, स्प्रे ओनली द इन्फेक्टेड स्ट्रिप टू चेक द फर्दर स्प्रेड। कहने का मतलब है कि जो क्रॉप है बाउंड्री यानी जो बाउंड्री के क्रॉप्स लगे हुए उनके ऊपर पहले इनका इन्फेक्शन होता है, तो हमें पहले वहीं से स्प्रे चालू करना चाहिए ताकि वहीं पे इनका इन्फेक्शन रुक जाए। आई होप आपको ये चीज़ें जो हमने वीट एफिड की पढ़ी हैं वो समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं दूसरे पेस्ट पे, जो हमारा नेक्स्ट पेस्ट है वो है आर्मी वॉर्म, ठीक है, जिसका ऑर्डर होता है लेपिडोप्टेरा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन बात करें तो ये कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह पाए जाते हैं, स्पोरेडिक हैं एंड हैज़ गेंड प्रोमिनेंस एज अ पेस्ट ऑफ वीट ओनली रिसेंटली। कहने का मतलब है ये जो मेजर पेस्ट में नहीं आते थे, अभी इधर रिसेंट ईयर में ये जो है इन्होंने ज़्यादा अटैक करना स्टार्ट किया वीट क्रॉप के ऊपर, और अभी इस टाइम पे वो क्या है एक क्या कहते हैं मेजर पेस्ट की कैटेगरी में आए हैं, पार्टिकुलरली आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्सिकन वेराइटीज़ इन इंडिया। जब से मैक्सिकन वीट्स वगैरह आई हैं इंडिया में, जब से इंट्रोडक्शन हुआ है तब से ज़्यादा इन्फेस्टेशन वगैरह करती हैं। होस्ट रेंज अगर बात करें तो ये बेसिकली वीट, शुगर केन, मेज, ज्वार, बाजरा, ठीक है, बारू ग्रास, इन सब चीज़ों पे करती है, बेसिकली ग्रास फैमिली पे, ठीक है। डैमेज सिम्टम, द फ्रेशली इमर्ज लार्वा जो है स्पिन थ्रेड्स फ्रॉम विच दे सस्पेंड देमसेल्व इन द एयर। कहने का मतलब है जो फ्रेशली जो लार्वा बना है वो थ्रेड को स्पिन करते हैं और अपने आप को लटका लेते हैं एयर में, कहाँ से कहाँ पे अटैच होते हैं, विद द हेल्प ऑफ एयर करेंट्स। कहने का मतलब है कि ये अपने आप को क्या करते हैं लीफ के सरफेस पे क्या करते हैं बांध लेते हैं और अपने आप को लटका लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ एयर करेंट्स दे रीच फ्रॉम वन प्लांट टू द अनदर, ठीक है। इन द अर्ली स्टेज द फीड ऑन टेंडर ऑफ लीफ इन द सेंट्रल होल एंड लेटर फीड ऑन द ओल्डर लीफ। कहने का मतलब है कि सबसे पहले ये टेंडर लीफ जो छोटे छोटे पतले पतले से लीव्स होते हैं उन पर फीडिंग करते हैं और फिर वो जो है ओल्डर लीव्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। और साथ साथ इनका सिम्टम क्या है, वो पूरे लीफ को स्क्लेरोटाइज कर देते हैं, ठीक है। द ग्रोन अप कैटरपिलर्स थ्रू आउट फीकल पिलेट्स, ठीक है, विच आर क्वाइट प्रोमिनेंट। तो इनको पहचानने का तरीका क्या है, इनका डैमेज सिम्टम क्या है, कि जो जो कैटरपिलर जो बड़े हो जाते हैं उनका फीकल पिलेट्स जो होगा वो जनरली हमें दिखेगा, ठीक है, प्लांट के आसपास। अगर हम इनमें बात करें, अगर इनका सीवियर अटैक हो गया तो होल लीफ जो है, ठीक है, इंक्लूडिंग मिड रिब आर कंज्यूम, मतलब मिड रिब भी नहीं छोड़ते हैं, एंड द फील्ड लुक्स लाइक ग्रेज बाई कैटल्स। ऐसा लगे कि फील्ड में ग्रेजिंग करी है किसी कैटल ने, ठीक है। अगर इनका बात करें तो ये माइग्रेट करते हैं एक फील्ड से दूसरी फील्ड में, ठीक है, और जितने भी ईयर्स हैं उनको खा जाते हैं, इंक्लूडिंग द ऑन्स एंड इमैच्योर ग्रेन्स, जो भी इमैच्योर ग्रेन्स है इवन उनको भी ये नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करें इनके बायोनॉमिक्स, इनको पहचानना कैसे है, तो पेल ब्राउन एडल्ट होते हैं जो कि 1 से 9 दिन के लिए जिंदा रहते हैं। ये जो है एक अगर ले करते हैं तो सिंगली ले करते हैं इन रो और इन क्लस्टर, ठीक है, ऑन ड्राई और फ्रेश प्लांट्स और ऑन दी फ्रेशली लेड एग्स आर, मतलब कहने का मतलब है कि ये सॉइल पे भी एग ले करते हैं। फ्रेशली लेड एग्स आर राउंड, अगर जो एग फ्रेशली ले किया हुआ है वो राउंड होता है, लाइट ग्रीन का होता है और वो पेल येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद वो फाइनली ब्लैक में, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता है तो ये जो लाइट ग्रीन है वो येलो पेल येलो में एंड देन ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। एक पीरियड 4 से 11 दिन का होता है समर में, 19 डेज का विंटर में होता है। फ्रेशली इमर्ज्ड जो लार्वा है वेरी एक्टिव, कहने का मतलब लार्वा जो होता है जो भी तुरंत एग से निकला है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। डल वाइट होता है, लेटर टर्न ग्रीन, बाद में इनका लार्वा ग्रीन हो जाता है, आप देख सकते हो उसके कलर को, ठीक है, ये पहले के लार्वा है और ये बाद का लार्वा है, ठीक है। आई होप आपको ये डायग्राम से भी समझ में आया होगा। इन स्प्रिंग द लार्वा स्टेज इज कम्प्लीटेड इन 13 to 14 days, बट इन द विंटर इट इज प्रोलॉन्ग टू 88 to 100 days। कहने का मतलब है कि लार्वल स्टेज 13 से 14 दिन में हो जाता है कम्प्लीट स्प्रिंग में और विंटर में ये 88 से 100 दिन लगता है। अब इसका प्री प्यूपल स्टेज देखें, द इंसेक्ट स्पिन अ ककून, ठीक है,
लास्ट फॉर 1 to 11 days, अगर प्री प्यूपल स्टेज को देखें तो 1 से 11 days मतलब इसमें लगता है ड्यूरिंग जनवरी टू मे, ठीक है। सॉयल डेप्थ जो है, अगर इनके बात इनको बात करें, प्यूपेशन जो होता है सॉयल डेप्थ में होता है, जिसका होना चाहिए डेप्थ 0.5 to 5 centimeter। दे ऑल्सो अकर्स अंडर द ड्राई लीव्स अमॉन्ग द स्टबल ऑफ और द फ्रेश टिलर्स, कहना है स्टबल के नीचे और फ्रेश टिलर्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है। द प्यूपल पीरियड इज 9 to 13 days इन मे एंड 36 to 45 days इन विंटर। अगर इनके मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो पेस्ट कैन बी सप्रेस्ड बाय कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द कैटरपिलर्स, पहला तो यही हो गया, हम उनके कैटरपिलर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और जो सस्पेक्टेड प्लांट है उनको हटाएं। स्प्रे करते हैं हम लोग 500 ml जो केमिकल है, ठीक है, उसका स्प्रे करते हैं, लाइक क्विनल फॉस वगैरह का हम यूज़ कर सकते हैं इन 500 liter ऑफ वाटर पर हेक्टेयर। आई होप आपको ये जो सेकेंड पेस्ट है वो भी समझ में आ गया होगा। जो हमारा नेक्स्ट पेस्ट है वो है गुजिया वीविल, ठीक है, जो बिलोंग करता है कॉलियोप्टेरा से, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर बात करें तो वीट ग्रोइंग एरियाज जो भी है हमारा वीट ग्रोइंग बेल्ट वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। होस्ट रेंज है अगर बात करें तो रबी क्रॉप्स, जो भी जनरेटिंग रबी क्रॉप्स है लाइक वीट, बार्ले, ग्राम एंड मस्टर्ड, ये इन पे लगते हैं ये, ठीक है। टैमस सिम्टम में तो एडल्ट फीड ऑन लीव्स एंड टेंडर सूट्स ऑफ द होस्ट प्लांट, ठीक है, मतलब लीव्स और टेंडर सूट्स होते हैं उन पे रहते हैं। दे कट द जनरेटिंग सीडलिंग को कट कर देते हैं। डैमेज इज पर्टिकुलरली सीरियस ड्यूरिंग द अक्टूबर एंड नवंबर व्हेन द रबी क्रॉप आर जर्मिनेटिंग, कहने का मतलब है जर्मिनेटिंग सीडलिंग को काटते हैं तो जब रबी क्रॉप का जर्मिनेशन होता है, सीड हम उस सितंबर अक्टूबर में लगाते हैं और उस टाइम पे जर्मिनेशन जब होता है तो उस टाइम पे ज़्यादा जो है डैमेज कॉज करते हैं ये। इनके बायोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो विबल्स आर अर्थन ग्रे, मिट्टी के कलर के होते हैं, मेजर अप टू 6.8 mm इन लेंथ एंड 2.4 mm इन विड्थ, ठीक है। फोर विंग्स अगर बात करें तो ऑब्लॉन्ग होता है, हाइंड विंग्स या मोर और लेस ट्रायंगुलर, ठीक है, बट दे कैनॉट फ्लाई, कहने का मतलब है जो गुजिया वीविल है ये उड़ नहीं सकते। द पेस्ट इज एक्टिव फ्रॉम जून टू दिसंबर, ठीक है। दे अंडरगो लार्वा प्यूपल डायापॉज ड्यूरिंग रेस्ट ऑफ द ईयर, कहने का मतलब है ये एक्टिव रहते हैं जून टू दिसंबर में और फिर उसके बाद डायापॉज में शांत हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं या फिर रेस्ट में चले जाते हैं बाकी साल जो भी है, ठीक है। और ये कहाँ चले जाते हैं, इनसाइड द सॉइल, ठीक है। वीबल्स इमर्जिंग इन जून, जब वीबल्स जो हैं वो इमर्ज करते हैं जून में, मैच्योर सेक्सुअली इन अक्टूबर, ठीक है, इमर्ज करते हैं कब, जून में, और सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं अक्टूबर में, ठीक। दे ले 6 to 76 egg इन 5 to 11 इंस्टॉलमेंट्स इन द सॉइल अंडर क्लॉट्स, जो मिट्टी के क्लॉट्स बनते हैं उसके अंदर में, ठीक है, और क्रिवाइसिस, कहने का मतलब जो छेद वगैरह छोटे छोटे होते हैं मिट्टी के अंदर उसमें। तो एक पीरियड इज ऑफ 6 to 7 weeks, ठीक है। जो ग्रब होता है इनका, ग्रब का जो पीरियड होता है वो 10 to 18 days का होता है। प्यूपा जो होता है वो अर्थन चैम्बर्स में, ठीक है, जो आपने ककून वगैरह देखा होगा तो मिट्टी का भी बहुत सारा ककून बनता है, तो प्यूपेट इन द अर्थन चैम्बर्स एट द डेप्थ ऑफ 15 to 60 centimeter। प्यूपल स्टेज इज 7 to 9 weeks। एडल्ट इमर्जेस नेक्स्ट ईयर इन जून एंड जुलाई। जो पेस्ट है इसका एक जनरेशन ही कम्प्लीट हो पाता है एक साल में, ठीक है। इसका मैनेजमेंट के लिए जस्ट हमें उसका डस्ट यूज़ करना है मैराथियन का 5D एट द रेट ऑफ 25 kg per hectare। आई होप आपको इसका मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा, इवन ये गुजिया वीविल क्या है आपको और इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं ये चीज़ें क्लियर हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट जो पेस्ट है वो है ग्राम पॉड बोरर, जिसको हम हेलिकोवर्पा आर्मी जरा कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेस्ट है ये, ठीक है, और ये बिलोंग करता है लेपिडोप्टेरा से। ग्राम पॉड बोरर अटैक्स वीट एट मेजॉरिटी, इट फीड्स ऑन द ग्रेन इन द ईयर हेड्स, द डैमेज इज मोर वेयर अ वीट फ्लोज कॉटन फॉलोज कॉटन, कहने का मतलब है कि अगर कॉटन के बाद अगर मैं वीट लगा दिया है तो वहाँ पे इनका इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा होगा। इसके मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं 3 kg ऑफ कार्बाइल, ठीक है, कार्बराइल 50 WP और 2 liter ऑफ क्विनल फॉस 25 EC इन 500 liter ऑफ वाटर पर हेक्टेयर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है एक मेजर पेस्ट है और लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करता है, आप यहाँ पे इसका इमेज देख सकते हो, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट है, इवन आपको साइंटिफिक नेम से इसको याद रखना पड़ेगा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। सो जो हमारा नेक्स्ट पेस्ट है वो है टर्माइट, ठीक है। तो टर्माइट बेसिकली आपने देखा भी होगा, बिलोंग करता है आइसोप्टेरा से। टर्माइट डैमेज द वीट क्रॉप सून आफ्टर द सोइंग एंड नियर मैच्योरिटी, जैसे हमने सो किया है उस टाइम पे ये सीड को खा जाते हैं या फिर जब मैच्योर हो जाता है तो वहाँ पे सीड को डैमेज करते हैं। द डैमेज प्लांट ड्राई अप कम्प्लीटली एंड आर इजीली पुल्ड आउट,
ठीक है, जमीन से आराम से निकल जाएगा जो भी डैमेज क्रॉप होगा। द प्लांट डैमेज एट लेटर स्टेजेस गिव राइज टू वाइट ईयर्स। अगर अगर जो डैमेज है वो लेटर स्टेजेस में हो गया तो जो वाइट ईयर है, सॉरी जो ईयर्स हैं वो वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर इनके मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो ट्रीट द सीड विथ 4 ml ऑफ क्लोरोफायरॉस, ठीक है, क्लोरपायरीफॉस सॉरी 20 EC, ठीक है, इंडोसल्फान वगैरह यूज कर सकते हैं। इफ़ द अटैक इज नोटिस्ड इन द स्टैंडिंग क्रॉप, अगर स्टैंडिंग क्रॉप में अगर अटैक है तो डाइल्यूट करेंगे 2.5 लीटर ऑफ इंडोसल्फान 35 EC इन 5 लीटर ऑफ वाटर एंड मिक्स इट विद 50 kg ऑफ सॉइल एंड ब्रॉडकास्ट इवनली इन 1 हेक्टेयर, ठीक है, और फिर हम लाइट इरीगेशन कर देते हैं। तो ये इसको कंट्रोल करने का तरीका है। जो हमारा 6th पेस्ट है, ठीक है, जो कि निमेटोड है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोयला निमेटोड, जिसका दूसरा नाम है सिस्ट निमेटोड, ठीक है, और इसका जो ऑर्डर है वो है हेट्रोडेंड्रियडे, ठीक है, हेट्रोडेंड्रियडे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली कहाँ है, इंडिया में बात करें तो राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब, और वर्ल्ड में बात करें तो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जो है इन इन यहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो नेमेटोड बेसिकली रूट रीजन को ज़्यादा इफेक्ट करता है, इसीलिए जो इन्फेक्शन है वो नोड्यूल्स वगैरह फॉर्मेशन कर देता है रूट में। होस्ट रेंज वीट, बार्ले, ओट्स एंड राई, ठीक है, जो भी रबी क्रॉप्स हैं उनमें। डैमेज सिम्टम, दे अटैक प्लांट्स, जो अटैक्टेड प्लांट मतलब जो अटैक प्लांट होते हैं वो छोटे रह जाते हैं एंड गिव अ श्रिवल्ड अनहेल्दी अपीयरेंस। प्रेजेंस ऑफ निमेटोड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच रूटलेट्स, जो रूटलेट्स हैं यानी रूट से भी छोटा पार्ट वो ब्रांच हो जाते हैं, ठीक है। द मेन रूट रिमेन शॉर्ट, जो हमारा मेन रूट है वो शॉर्ट रह जाता है, बंची हो जाता है, बेयरिंग स्मॉल गॉल्स, गॉल्स मतलब उसमें ये बन जाएंगे, नॉट्स बन जाएंगे। इन केस ऑफ सेवरल इन्फेस्टेशन द सीडलिंग में फेल टू कम आउट ऑफ द सॉइल, द प्लांट स्केप दैट अर्ली डैमेज प्रोड्यूसेस शॉर्ट स्टॉक्स एंड ईयर यील्डिंग अ पुअर हार्वेस्ट। कहने का मतलब है कि ये उनके स्टार्टिंग लेवल से ही डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अगर इनके बायोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो निमेटोड पासेस अनफेवरेबल सीजन इन द फॉर्म ऑफ सिस्ट, मोस्टली इन द सॉइल। अ सिस्ट कंसिस्ट ऑफ ए डेड बॉडी ऑफ द फीमेल कंटेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ एग्स। यानी होता क्या है, विद द कंडीशन ऑफ फेवरेबल एग्स हैच विद इन द सिस्ट, जो एग्स है वो सिस्ट के अंदर हैच करता है एंड लार्वा आर सेट फ्री इन टू द सॉइल द सेकेंड स्टेज ऑफ द ग्रोथ। द लार्वा में इन्वेड एनी अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द ससेप्टेबल प्लांट, ठीक है। कहने का मतलब एक फीमेल बॉडी के अंदर ही मर जाएगा। देखो होता क्या है, आफ्टर मूविंग अ शॉर्ट डिस्टेंस थ्रू द कॉर्टेक्स दे एज्यूम अ पोजिशन मोर और लेस पैरेलल टू द मेन एक्सिस ऑफ द रूट। कहने का मतलब है कि रूट में ये घुस जाते हैं, ठीक है, जो रूट का टिप है वहाँ जाते हैं और शॉर्ट डिस्टेंस उस रूट टिप से अंदर जाते हैं कॉर्टेक्स में, ठीक है। उसके बाद वो एक पोजीशन को एज्यूम करते हैं, ठीक है, वो और लेस पैरेलल टू द मेन एक्सिस, जो अगर रूट का जो मेन एक्सिस है उसके पैरेलल अपने आप को करते हैं, ठीक है, और अपना हेड जो है वो रूट के टिप से बाहर निकाल देते हैं। द मेल इंक्रीजेज इन गर्थ, मेल का गर्थ यानी चौड़ाई बढ़ता है अंटिल द विड्थ इज इक्वल टू अबाउट 1/5 ऑफ योर लेंथ, मतलब जो उनका लेंथ है उसका 1/5 ना हो जाए विड्थ, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट अंडरगोज द सेकेंड एंड द थर्ड माउल्टिंग, इस टाइम पे वो थर्ड माउल्टिंग में जाते हैं। आफ्टर एज्यूमिंग द फाइनल सिलिंड्रिकल शेप इट माउल्ट्स एंड द फोर्थ टाइम इट बिकम्स एन एडल्ट, मतलब 4 माउल्टिंग स्टेजेस हैं इनका, 4 बार माउल्टिंग होता है, ठीक है। फीमेल डज नॉट अंडरगो सच मेटामॉर्फोसिस, द एग मैच्योर इन साइड द बॉडी ऑफ फीमेल एंड इट डाइज, द बॉडी बींग कन्वर्ट इन टू सिस्ट। कहने का मतलब है जो एग है वो मैच्योर करता है फीमेल को बॉडी में और वो वहीं पर वैसे डेथ कर जाती है फीमेल, द बॉडी बींग कन्वर्टेड इंटू सिस्ट, जो फीमेल की बॉडी है वही सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैनेजमेंट करना है तो फॉलो क्रॉप रोटेशन, ठीक, ग्रो सिस्ट निमेटोड रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ वीट लाइक राज MR1, ठीक है, और बार्ले RD2035 और RD2052। प्लो 2 to 3 टाइम्स ड्यूरिंग द समर, ताकि इनके एग्स वगैरह को हम क्या कर सकें, डैमेज कर सकें, या फिर अप्लाई कार्बोफ्यूरिन एट द रेट 45 kg पर हेक्टेयर। तो हमने 6 पेस्ट को डिस्कस कर लिया है, आई होप आपको ये चीज़ें अभी तक समझ में आ गई होंगी। जो हमारा लास्ट पेस्ट है, मेजर पेस्ट है, वो भी एक निमेटोड है जिसका नाम है वीट गल निमेटोड, ठीक है। और अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो ये एक कॉस्मोपोलिटन है, हर जगह पाया जाता है, ठीक है, और ये ईयर कॉकल जिसको हम मैमनी डिजीज़ कहते हैं वो कॉज करता है, ठीक है।
दिस नेमेटोड इज ऑल्सो द कैरियर ऑफ बैक्टीरियल येल्लो स्लाइम ईयर रॉट, जिसको हम टुंडू डिजीज कहते हैं, ठीक है, वो भी कैरियर होता है, जो ये नेमेटोड है इस बीमारी को भी कैरी करता है, यानी ये जो बीमारी जो बैक्टीरिया कॉज करता है उसको भी कैरी करता है। होस्ट रेंज जो है राई, ठीक है, इमर जो है, इमर क्या होता है, इमर वीट वगैरह है, ठीक है, और ओट्स बार्ले जो है इन पे इन्फेक्ट करता है। डैमेज सिम्टम बात करें तो ब्लैक राउंडेड मैमनी गॉल्स आर सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट, द कोट सॉफ्टेंस एंड लार्ज नंबर ऑफ लार्वा आर सेट फ्री। कहने का मतलब है जो मैमनी गॉल्स, जो मैंने बताया मैमनी गॉल्स का फॉर्मेशन होता है, ब्लैक राउंडेड होते हैं, उनको वाटर में भिगाते हैं रात भर, ठीक है, जिससे सॉफ्ट उनका जो कोट है वो क्या हो जाता है, गॉल का सॉफ्ट हो जाता है और लार्ज नंबर ऑफ लार्वा जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है। अफेक्टेड प्लांट्स आर मोर और लेस स्टंटेड, लीव्स आर व्रिंकल्ड, रोल्ड एंड ट्विस्टेड, ठीक। ग्रेन्स दैट आर इन्फेस्टेड जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं गल्स, ठीक है, गॉल प्रोडक्शन करते हैं। डिजीज ईयर आर शॉर्टर एंड थिकर दैन द हेल्दी वंस। अगर इनकी बायोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो अंडर नेचुरल कंडीशन द ड्राई गल्स आइदर फॉल ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द राइप ईयर्स और दे आर हार्वेस्टेड एंड फाइंड देयर वे टू दी स्टोर्स अलॉन्ग दी हेल्दी प्रोड्यूस। कहने का मतलब है कि ये ज़मीन पे गिरते हैं ग्रेन के साथ में और साथ साथ जो हेल्दी प्रोड्यूस है उनके साथ ट्रांसफर भी हो जाते हैं। दे रिमेन वायबल फॉर लॉन्ग पीरियड, सिंगल गॉल कंटेंस 800 to 30,000 लार्वा विच रिवाइव एंड बिकम एक्टिव वेन द गॉल इज मॉइस्चर। जिस गॉल को पानी मिलता है वो फिर से क्या हो जाता है, लार्वा एक्टिव हो जाता है। तो देख रहे हो आप कितना लार्ज अमाउंट में लार्वा प्रेजेंट होता है इसमें, सोचो इनका इन्फेस्टेशन रेट कितना होगा, ठीक है। When wheat is sown, the gall becomes soft, ठीक है, on imbibing moisture, जब wheat को हम grow करते हैं grain के साथ तो मिला हुआ है, ठीक है, the larva set free into the soil, larva निकल जाता है soil के अंदर। Parasite on the young leaves and are growing points, कहने का मतलब है they rise up, क्योंकि तो मिट्टी फैल गया है, they rise up the plant and find a site for feeding as free parasite on the young leaves, और वो ज़मीन से चढ़ के कहाँ चला गया, leaf के ऊपर और growing point पे चला गया, ठीक है। लेटर ऑन एज दी प्लांट अप्रोचेज दी ईयरिंग स्टेज दे पेनेट्रेट इन टू द प्राइमोडिया ऑफ द फ्लावर बर्ड्स एंड फॉर्म द गर्ल इंस्टीड ऑफ नॉर्मल सीड। इन द डेवलपिंग गर्ल्स द लार्वा मैच्योर इन टू मेल्स एंड फीमेल्स। अ सिंगल गॉल एट दिस स्टेज में कंटेन 40 to 50 फीमेल्स एंड इक्वल नंबर ऑफ मेल्स। तो दे मेट, वहाँ पे मेल फीमेल दोनों हैं तो वहाँ पे क्या करेंगे, जो गर्ल है उसके अंदर मेट करेंगे, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ एग्स देंगी वहाँ पे। एक डेवलप अप टू सेकेंड स्टेज एंड देन बिकम्स डॉर्मेंट। दे रिमेन इन दैट स्टेट इन द ड्राई गॉल्स टिल द नेक्स्ट सोइंग सीजन। और जैसे नेक्स्ट सीजन आएगा, जैसे हम वीट को उसमें करेंगे तो सॉइल से मॉइस्चर लेके फिर ये रिलीज आउट हो जाएंगे। तो इसको मैनेज करने का क्या तरीका है, जो गर्ल्स हैं उनको सेपरेट कर दो वीट सीड से बाई फ्लोटिंग देम इन वाटर इन अ टब, ठीक है। द सीड शुड बी ड्राइड बिफोर सोइंग, ठीक है, सीड को हम क्या करेंगे, पहले ड्राई करेंगे सो करने के पहले, ठीक है। आई होप गाइस आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ही फॉलो करो जहाँ पे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे और क्विजेस भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो, अगर आपको कुछ सीखने मिला है तो आप हमारे चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब भी कर लो। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी को भी इस लेक्चर की पीपीटी या पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से उसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।